अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। तो आज जो मैं रेसिपी बना रही हूँ वो है टाइगर प्रॉन्स। टाइगर प्रॉन्स जो एकदम मसालेदार होगा, कुछ हटके कुछ अलग रेसिपी है। तो मेरी इस रेसिपी के साथ आप बने रहें और देखें कि मैंने किस तरीके से इस रेसिपी को बनाई है। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि इसे किस तरीके से साफ़ करते हैं। तो मैंने इसकी जो मुंडी होती है वो अलग कर ली है। बहुत सारे लोग इसकी मुंडी भी खाते हैं जो प्रॉन्स की, लेकिन वो मुझे पसंद नहीं, इसीलिए मैंने उसे निकाल दिया। और मैंने इसे इस तरीके से साफ़ किया है। बहुत ही कड़क इसका जो कवच होता है बहुत ही कड़क होता है, तो अपने हाथों का आप संभाल करके इसे साफ़ करें। और पीछे से एक कट्स दिया है जिसमें से एक ब्लैक कलर का उसकी जो गंदगी होती है वो मैंने निकाल के साइड कर ली। तो आप देख सकते हो कि मेरी रेसिपी किस तरीके से बनी थी, और मैं आपको बताऊंगी कि रेसिपी कैसे बनती है। तो प्लीज़ मेरी रेसिपी के साथ आप और मेरी इस वीडियो के साथ आप बने रहें। सबसे पहले मैंने लिया था बेड़की मिर्ची, बहुत सी से ऐठी मिर्ची भी कहते हैं, काश्मीरी मिर्ची भी कहते हैं। इसे मैंने गर्म पानी में भिगो करके रख लिया था। फिर कढ़ाई में मैंने 3 चम्मच तेल लिया और उसी के साथ में 2 बड़े प्याज चॉप किए हुए, कुछ लहसुन चॉप की हुई और अदरक भी कुछ चॉप करके ही लिए थे मैंने, मसाले पीस कर नहीं लिए थे, तीनों को चॉप करके लिया मैंने। और जैसे ही प्याज हमारी चॉप की हुई प्याज हमारी जैसे रेड हो जाती है, हल्की सी पिंकिश चाहिए, एकदम रेड नहीं चाहिए हमें, तो उसी में हम हमारे जिंजर और गार्लिक दोनों को भी ऐड कर लेंगे। सबसे पहले गार्लिक को ऐड किया मैंने, तो गार्लिक को भी ज़्यादा हमें इसमें रेड सा नहीं करना, जो वाइट वाइट दिखे वैसे ही रखना है हमें, एकदम पका के लाल करके नहीं लेना, क्योंकि उसका टेस्ट एकदम चेंज हो जाता है। तो देखिए इसमें थोड़ा कच्चापन है, उसी में मैंने अदरक को भी ऐड कर लिया जो चॉप थी, उसे भी हल्का से सौते करके ले लेंगे। इसी में मैंने फिर इसमें मैंने नमक ऐड किया, आप अपने हिसाब से नमक ऐड कर लीजिए। और इसी के साथ में जो मैंने रेड चिल्ली हमारी वार्म वाटर में सोख करके रखा था, उसे एकदम अच्छे से बारीक पेस्ट बना के लिया, और वही पेस्ट ये है इसमें मैंने ऐड किया है। इसमें और कोई चीज़ मैंने ऐड नहीं की थी, सिर्फ रेड चिल्ली पेस्ट है ये। इसी के साथ में 3 टेबल स्पून मैंने टोमेटो केचप ऐड किया है। अभी मैंने एक पाउच था जो मेरे पास बचा वो मैंने इसमें ऐड किया, आगे चलकर भी मैंने 2 पाउच इसमें यूज़ किए हैं। और जो मिक्सर जार में था मसाला हमारा कुछ बचा हुआ रेड चिल्ली पेस्ट, वही मैंने पानी डाल करके इसमें ऐड किया है। 1 टीस्पून ज़ीरा, खड़ा ज़ीरा, 1 टेबल स्पून हल्दी पाउडर, 1 के साथ हमारे जो मसाले हैं ये धनिया पाउडर 1.5 चम्मच, ज़ीरा पाउडर 1.5 चम्मच, ये खड़ी सौंफ, और ये रहा काली मिर्च जो 1/2 टीस्पून है। बस इन्हीं मसालों को अच्छे से मिक्स करके लेना है हमें। मैंने आपसे कहा था आगे के 2 टेबल स्पून टमाटो केचप मैंने ऐड किए थे आगे चल के, वो यही है। और मिर्ची अगर आपको इसमें और तीखा स्पाइसी चाहिए तो आप इसमें ग्रीन चिली ऐड कर सकते हो, क्योंकि ये ज़्यादा तीखा नहीं है, बेड़की मिर्ची तीखी नहीं होती, सिर्फ रेड कलर होने के लिए मैंने इसमें डाला था वो, और उसका एक अलग ही फ्लेवर होता है। अगर आप तीखा स्पाइसी पसंद करते हो तो इसमें आप ग्रीन चिली ऐड कर सकते हो। अच्छी तरीके से मिक्स होने के बाद में मैंने इसमें कसूरी मेथी ऊपर से डाली थी एंड में, इसका बहुत ही अच्छा, उसकी खुशबू जो है मुझे बहुत पसंद है, इसीलिए मैं अपने जो भी बनाती हूँ घर में उसमें मैं कसूरी मेथी ज़्यादा करके ऐड करती हूँ, उसका फ्लेवर मुझे बहुत ही पसंद है। इसी के साथ में मसालों में मैंने बटर ऐड किया मस्का, 1 टेबल स्पून के करीब में है ये,
और ये इसे मैंने ऐड इसलिए किया है कि जो हमारे टाइगर प्रॉन्स हैं वो बटर की वजह से अच्छे सॉफ्ट से बनेंगे। इसमें मैंने हमारे प्रॉन्स भी अभी ऐड कर लिए। अभी हमारे जितने मसाले थे इसमें सब कुछ पड़ चुका है, अभी सिर्फ प्रॉन्स को पकाना है। इसे भी ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा पकने में, 5 से 10 मिनट के अंदर प्रॉन्स भी पक्के हो जाएंगे। सारे मसालों को अच्छे से मैंने एक तरफ करके लेके रख लिया और देख सकते हो कि प्रॉन्स ने भी अपना पानी छोड़ा है, जो एक्स्ट्रा वाटर होता है। इसे अच्छे से मिक्स करके लिया मैंने और ये हो चुके हैं प्रॉन्स, क्योंकि मैंने आपको जैसे बताया कि प्रॉन्स को ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं है। ये प्रॉन्स हो चुके हैं। लो फ्लेम पे मैंने इसे दो दो दफ़ा मीडियम आंच पे ढककर पका के लिया था। इसमें मैंने कुछ पानी ऐड नहीं किया है ऊपर से, जो प्रॉन्स का पानी था वही इसमें अपना छोड़ा है प्रॉन्स में। देख सकते हैं प्रॉन्स भी हो चुका है, एकदम सॉफ्ट सा है प्रॉन्स भी। अभी मैंने इसके ऊपर स्प्रिंग ऑनियन ऐड किया था ऊपर से, ये गार्निशिंग के लिए है। इसका भी एक अलग सा फ्लेवर आता है। ये ऐड करने के बाद में मैंने अच्छे से इन्हें मिक्स करके ले लिया और थोड़ा ऊपर से बटर मैंने ऐड किया था। आप ये ऑप्शनल है, अगर आप खा सकते हो बटर तो आप डालें, आपको पसंद है ना पसंद है तो आप इसे स्किप भी कर सकते हो। और इसे मैंने मिक्स करके को चाहे यारा बता ना पाए, बातें दिलों की देखो जो बाकी आके। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को मेरी रेसिपी कैसी लगी आप मुझे प्लीज़ लाइक करके शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि मेरी रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी। और इसी के साथ हम लोग हमारी मुलाकात अब होगी नेक्स्ट रेसिपी में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। और मेरी रेसिपी को आप प्लीज़ शेयर करें।